मुजफ्फरनगर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार रविवार को आपसी मेलजोल सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाए, इसको लेकर हर तरह के प्रयास पुलिस प्रशासनिक स्तर से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीओ सिटी कुलदीप सिंह भारी पुलिस बल के साथ ईदगाह स्थल पहुंचे, जहां तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों और स्थानीय संभ्रांत लोगों के साथ बातचीत की। बकरीद को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने ईदगाह पर जाकर निरीक्षण किया और धर्म गुरुओं से अनुरोध किया गया कि ईदगाह की कैपेसिटी के अंतर्गत ही लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाए। साथ ही कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा करें। सीओ सिटी ने कहा कि सड़क पर कोई कुर्बानी नहीं होगी, जो पशु प्रतिबंधित है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी द्वारा सभी धर्म गुरुओं से अपील की गई कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे दूसरों को परेशानी हो। त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल बकरीद का त्यौहार है और उसी क्रम में हम लोगों ने ईदगाह का निरीक्षण किया है। ईदगाह की कैपेसिटी के अनुसार ही मेरा जो अनुरोध यहाँ के धर्मगुरुओं से भी रहा है कि जो ईदगाह की कैपेसिटी है उसी के अनुसार लोगों को यहाँ बुलाएं और बाकी जो लोग हैं वो सब लोग अपने अपने मोहल्ले की जो मस्जिद हैं उनमें नमाज अदा करें। जिस प्रकार से हम लोगों ने ईद के त्यौहार पर जो मेंटेन किया था, जिस तरीके से कहीं सड़कों पर सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं की गई थी, उसी तरीके से इस बार भी ऐसे ही फॉलो किया जाएगा। और सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि अपना कहीं पर भी कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई सड़क है, रोड है, वहाँ पर आकर नमाज अदा ना करें। अब मस्जिदों में या ईदगाह पर ही नमाज अदा करें। कुर्बानी की बात है, इसके बाद कुर्बानी को लेकर स्पष्ट है कि किसी प्रतिबंधित पशु की या कहीं खुले में कुर्बानी या किसी सार्वजनिक स्थान पर सड़क पर कोई कुर्बानी नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। जो कुर्बानी ट्रेडिशनल कुर्बानियाँ हैं वही हों, उसमें ऐसा कहीं ना हो कि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत। कई बार वीडियो वायरल की जाती है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो सबको हम लोगों ने मीटिंग करके निर्देश भी दिए हैं, धर्मगुरुओं से भी अपील की है कि इस तरह का कृत्य कोई ना करे। यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह की स्थिति रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था में जो हमारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, जहाँ से रूट डाइवर्जन है, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, सभी जगह पर हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई हैं। एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ पुलिस मुस्तैद रहेगी, हमें मजिस्ट्रेट साहब सभी लोग हम लोग मुस्तैद रहेंगे। किसी प्रकार की कोई किसी को छेड़खानी या कहीं किसी को कोई किसी प्रकार का उसमें अफवाह फैलाना या कुछ करने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो सख्ती से उससे निपटेंगे।